कोणताही अजेंडा नाही, कोणताही कार्य नाही. 2014 साली त्यांनी लोकांना फसवलं. 2019 साली त्या फसवणुकीचा वाढदिवस साजरा केला, 5 वर्ष त्यातून मतं मिळवली, सर्जिकल स्ट्राईकचं नाटक केलं, इतर काही गोष्टी केल्या धार्मिक. आता ते परत एकदा 2024 साठी या देशामध्ये धार्मिक तेढ, जातीय दंगली घडवून निवडणुका लढवण्याच्या तयारीमध्ये ते आहे. या देशात महागाई आहे, या देशात बेरोजगारी आहे, या देशामध्ये चीन घुसलेला आहे, या देशामध्ये असंख्य प्रश्न आहेत, पण त्याच्याकडे लक्ष न देता, त्याच्यावर चर्चा न करता फक्त धार्मिक तणाव निर्माण करून निवडणुकींना सामोरं जायचं, हा एक कलमी अजेंडा भारतीय जनता पक्षाचा आहे. आम्हाला तर भीती वाटते. जसं गोधरा केलं असं म्हणतात, त्याप्रमाणे राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या वेळेला देशभरातून, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून ट्रेन्स अयोध्येला बोलवून एखाद दुसऱ्या ट्रेनवर एखादा हल्ला घडवून पुलवामाप्रमाणे त्या देशामध्ये जातीयतेचा किंवा धर्मांधतेचा आगडोम तो उसळणार नाहीत ना त्या काळामध्ये, अशी भीती आता लोकांना वाटू लागते. हे काही करू शकतात अशी भीती या देशाच्या अनेक प्रमुख राजकीय पक्षांना वाटते. इंडियाच्या बैठकीत याच्यावर चर्चा होईल आणि जनतेलाही वाटते, पण आम्ही सावध आहोत, आम्ही अत्यंत सावध आहोत. येणाऱ्या काळात बाबरी आणि अयोध्याचा देखील मुद्दा असणार आहे, त्यामुळे बाबरी अयोध्याचा मुद्दा संपलेला आहे. जर कोणी ते काढायचं असतील तर ते मूर्ख आहेत आणि लोकांना मूर्ख बनवत आहेत. बाबरी आणि अयोध्येचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयानं संपवल्यामुळे तिथे राम मंदिर उभा आहे. त्याचं श्रेय कोणी घेऊ नये. जर त्याचं श्रेय द्यायचं असेल तर करसेवेमध्ये जे हजारो करसेवक मारले गेले, शहीद झाले, त्यांना द्यावं लागेल, त्यात शिवसेनेचा सहभाग आहे. सर हिंदी चाहेंगे, आशंका जताई जा रही है, आपने भी आशंका जताई कि चुनाव के पहले कुछ बड़ी धार्मिक घटना हो सकती है, क्यों आपको ये डर सता रहा है? हमको ये डर सता नहीं रहा है, ये सत्य है. ये लोगों के मन में जो डर है, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का एक घुनौना काम कर सकते, ऐसा आरोप है सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं वहां के राज्यपाल कि पुलवामा हुआ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए. गोधरा के बारे में भी यही कहते हैं लोग. लोगों के मन में शंका है. तो 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे पड़ जाएंगे. इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना. अगर नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए. जिस तरह से हरियाणा में दंगे चल रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं, तो उनका उदाहरण है. हवाला द्वारा असं विरोधी पक्षाकडून म्हटलं जातं, नितीन गडकरींची बाजू देत आहे विरोधी पक्ष. माझ्याकडे त्याबाबत माहिती नाही. नितीन गडकरी एक महत्वाचे नेते आहेत, कार्यक्षम मंत्री आहेत मोदी मंत्रिमंडळातील, आणि त्यांचंच काम सध्या देशभरात दिसतं, आणि भविष्यामधलं ते नेतृत्व आहे या देशाचं, आणि जे कुणाच्या वाटेत अडवे जातात त्यांना कसं खतम करायचं यासाठी अनेक यंत्रणा राबवल्या जातात हे सगळ्यांना माहिती आहे. आम्ही त्याची व्यक्तिम आहोत. बैठक में क्या एनडीए का कुनबा और बढ़ सकता है, कुछ नए साथी दलों उस बारे में उद्धव ठाकरे साहब
30 तारीख को जो पत्रकार परिषद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है 30 तारीख को, और शाम को 4 बजे ग्रैंड हयात में जहां ये इंडिया की बैठक होने वाली है, वहां उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले जी, अशोक राव चव्हाण कांग्रेस के नेता और भी सभी दल के नेता आएंगे, और कल आपके साथ डायलॉग होगा और उसमें ये सब जो आपके सवाल है उसका जवाब मिलेगा। तो स्वरूप क्या होगा, तो से क्लैरिटी दे पाए, क्योंकि लगातार कहा जाए कि बहुत बड़े कई मुद्दों को चर्चा हुई जिसका अभी आपने जिक्र किया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इंडिया की मुंबई में, जहां हमारी सरकार नई है और सरकार जिस प्रकार से हमारी तोड़ दी है, पार्टी को तोड़ा है, एनसीपी को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, तो इस पार्श्व भूमि पर ये मीटिंग हम लोग यहां करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जहां इसके ऊपर चर्चा। सर, बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में जहां जिस जगह आप लोग की बैठक हुई वहां पर बग लगाया जा सकता है ताकि आप लोग की चर्चा लीक हो सके, जानकारी मिल सके। अरे भाई, जो लगाना हो लगा दो, बग लगा दो या बम लगा दो, हम डरने वाले नहीं। मीटिंग होगी, सभी नेतागण आएंगे, राहुल जी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, अखिलेश जी आ रहे हैं, लालू जी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, स्टालिन साहब आ रहे हैं, ममता जी आ रही है, हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, कौन चाहिए आपको, आप नाम ले लो, वो सब आ रहे हैं। हम क्या देखे, प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए। अभी ब्रिक्स में गए थे तो चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं, गले लगाए हैं हमेशा की तरह, और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है तो ये सवाल जो है उनको पूछना चाहिए, आपको कैसा लगता है। हमको, हमारा तो दिल टूट जाता है देखकर। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लड़ाख में पेंगोन वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है, ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं, करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। इंडिया बैठक महत्वाचे मुद्दे घेणार आहे, त्याचबरोबर अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे जागा वाटपाचा, यावर चर्चा होणार आहे। जागा वाटपाची चर्चा या बैठकीत होणार नाही, त्या संदर्भात हा जो प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे त्याच्यावरती उद्या जी पत्रकार परिषद आहे या इंडिया बैठकीच्या तयारी संदर्भात, आणि त्या बैठकीला स्वतः उद्धव ठाकरे उपस्थित राहतील, शरद पवार साहेब आहेत, काँग्रेसचे महत्वाचे नेते उपस्थित राहणार आहेत, नाना पटोले जी असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, या सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहतात, इतर सुद्धा जेडीयूचे किंवा इतर पक्षाचे नेते आहेत, पण उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पत्रकार परिषद आहे। हे प्रश्न तुम्ही त्यांच्याशी उद्या संवाद साधू शकता। महायुतीच्या ज्या दिवशी आपली इंडियाची बैठक आहे गुरुवार आणि शुक्रवारी, त्या दिवशी महायुतीच्या नेत्यांनी देखील त्यांची 48 मतदारसंघाच्या आढावाची 2 दिवसाची बैठक घेतली आहे, काय वाटतं याच बैठकीला काउंटर करण्यासाठी? बघा, इंडियाला कोणी काउंटर करू शकत नाही। इंडियाचं जे घोषवाक्य आहे भारत जितेगा, आता आमची जी घोडदौड सुरू आहे इंडिया किंवा भारताची, ती रोखणं कोणाला शक्य नाही। तुम्ही कितीही आडवे या, बरं का, आम्हाला काही फरक पडत नाही। या देशामधलं वातावरण बदलत आहे आणि 2024 आएगा तो मोदी नाही जायगा तो मोदी ही घोषणा आहे। आता देखील थोड्या वेळातच शरद पवार आणि उदय सामंत यांची भेट होणार आहे या वायबी चव्हाण सेंटरला, कशा प्रकारे बघता आम्ही काय कळत अशा बैठका होत असतात। शरद पवारांची दावा केलेला आहे आज मीटिंग लेने वाले हैं अपने एमएलएस के साथ, कितने लोग हैं और लोकसभा की सीट पे भी डिसाइड करेंगे, इंडिया में भी क्या डिस्कशन होगा उसमें? इंडिया में इस बारे में डिसाइड नहीं होगा इस बैठक में, हम तीनों बैठकर। आपकी पार्टी कितनी सीट्स के लिए आगे जा रही है लोकसभा की सीट्स के लिए? देखिए, इस बारे में चर्चा अब नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे 18 सांसद थे महाराष्ट्र से, वो 18 सांसद कायम रहे, वो आंकड़ा कायम रहे लोकसभा में, और एक दादरा नगर हवेली 19 के 20 हो गए, 19 के 15 नहीं हो।
सर एक बड़ा सवाल है, कल उद्धव जी ने हिंगोली की सभा में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिए बगैर उन्हें तरबूज कहा था, बहुत सिंह सर लोकसभा सर्व हेलिकॉप्टर जे है बुके कर ममता बॅनर्जी दावा के आम्ही पायी प्रवास करू आणि पायी काही प्रचार करू, तुम्ही हवेत उडत राहा, आम्ही जमिनीवर जनतेबरोबर राहू, आम्हाला काही चिंता नाही, तुम्ही विमान उडवा हेलिकॉप्टर उडवा इतकंच काय। प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षाने चंद्रयान जरी आणलं आणि त्याच्यावरून जरी प्रवास प्रचार केला तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही। जरूर चंद्रयान 3 बोलवायचे, जरूर चंद्रयान 3 यहां लाइए और उसको पैसे प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं, ये मैं कहूंगा। हाँ सर, पालक मंत्री सुटले प्रश्न चले। लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा।